हमारे साथ बोकारो के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश पाठक हैं। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च नई दिल्ली से एमडी की पढ़ाई पूरी की है और बीते 19 सालों से बोकारो में अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे जानते हैं महिलाओं के हार्मोनल हेल्थ की समस्या अक्सर गर्मियों में होती है, इसके क्या आयुर्वेदिक उपचार है सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश बोकारो से। कौन सी औषधियाँ लेनी चाहिए जिससे उनका जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो सही रहे, बैलेंस रहे। खासकर हम लोग वात पित्त कफ पे ज़्यादा हम लोग वर्क करते हैं, तो इसमें कुछ चुनिंदियाँ औषधि है, जैसे आपका सुगंधा है, शतावर है, शिलाजीत है, ब्राह्मी है। इस टाइप का चीज़ जो है महिलाओं को रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। खासकर शतावरी जो है वो फीमेल फ्रेंडली हर्ब बोला जाता है, इसलिए हर महिलाओं को शतावरी जरूर यूज करना चाहिए। अश्वगंधा जो है वो आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर ही बोलते हैं, इसलिए कम से कम मतलब आपका 300 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक हर महिलाओं को सुबह शाम डोज में लेना चाहिए। अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल होता है, वो मस्तिष्क को शांत करता है, ओवरऑल स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन में लोगों को नहीं जाने देता है, इसलिए हार्मोन बैलेंस का सबसे बढ़िया अगर औषधि है तो वो अश्वगंधा है और आपका शतावर है। ब्राह्मी जो है वो चुए गुण से ठंड होता है, वो मोती का काम करता है, इसलिए ब्राह्मी का भी सेवन करना चाहिए। शतावर जो है आपका खाने में मतलब बिटर होता है और उसका स्वाद जो है मीठा होता है और उसका जो है इफेक्ट जो है वो कूलिंग होता है, ठंड होती है, इसलिए महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है कि अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी का सेवन करें। आपका वो जो है शतावर जो है वो मेनोपॉज स्ट्रेस को भी वो कम करता है, इसलिए वो जरूर लेना चाहिए। यूटेराइन टॉनिक का भी काम करता है, इसलिए हर महिला को ये चीज लेना चाहिए। खासकर आप देखेंगे जिन महिलाओं को कम मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम में बच्चे हो जाते हैं लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में लोगों को प्रॉब्लम होता है, उसमें शतावर का डोज 1-8 चम्मच सुबह शाम अवश्य लेना चाहिए, दूध के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। महिलाओं का आफ्टर डिलीवरी बच्चों को फीड नहीं करा पाती हैं, इसमें शतावर का बहुत बड़ा रोल है, वो मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, इसलिए वो जरूर लेना चाहिए। एंटी एजिंग का भी काम करता है, इसलिए शतावर का बहुत बड़ा रोल है महिलाओं में। खासकर आपका जो PCOD या PCOS का जो समस्या होता है उसमें आपका शतावर और ये दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हर महिलाओं को ये चीज लेना चाहिए। औषधियाँ हैं उनको लेने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन्हें ये सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये अश्वगंधा जो है ये खासकर जिन महिलाओं का सर्जिकल प्रोसीजर में जाना होता है इसलिए अश्वगंधा तो लेना ही नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी पीरियड में भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। खासकर आपके जो फीडिंग मदर होती हैं उनको भी अश्वगंधा का जरूरत नहीं होता है, उन्हें जरूरत होता है सीले आपका शतावरी का। तो शतावरी भी जो है वो चूंकि एक्सेस कफ वगैरह होता है, एस्थमेटिक होते हैं, तो उस पीरियड में कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं आपका ये होता है। जिनको आम कफ सिखाया होता है जिसको अम्मा बोलते हैं संस्कृत में, उस पीरियड में भी उन लोगों को नहीं लेना होता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी मान लीजिए जिनका फीडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता उनको तो शतावर बिल्कुल नहीं लेना है, और जिनको प्रॉब्लम हो रहा है फीडिंग में उनको शतावर अवश्य लेना चाहिए। और फीडिंग मदर के बहुत ही जरूरी होता है ये। शिलाजीत वगैरह जो है वो महिला ज़्यादा सेवन न करें क्योंकि उसका ही BP बढ़ने का चांस होता है, और जिन महिलाओं का BP काफ़ी लो होता है उन्हें शिलाजीत का को अवश्य यूज करना चाहिए।